taken. क्या बात है पहली गेंद. When cutting across him, middle with it, dabbled with it, and it turned out to be an easy catch for the keeper. बड़ा नुकसान मुंबई हीरोज के लिए. उनका उपकप्तान आफताब शिवनिसानी पे ये देखिए बेहतरीन गेंद कटिंग अक्रॉस और आदर्श का अच्छा कैच बाई तरफ डाइव करके. रघु कांग्रेचुलेशन. ऑफ स्टंप को हल्का सा छूती हुई गेंद गई और सोनू से बोल्ड हिम. एक बार फिर अक्रॉस खेलना चाहा समीर ने. और मैंने पहले भी कहा था कि रघु की गेंदबाजी बहुत ही सभी नपी तुली. लिबर्टी इतना जल्दी नहीं लेना चाहिए था समीर को. अक्रॉस खेलना यानी कि बहुत ही डेंजर. समीर कोचर वापस अपने डगआउट में आएंगे. यहां दुबई के ग्राउंड में रघु ने अपना दूसरा विकेट लिया पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक. और ये देखिए बेहतरीन गेंद अक्रॉस. बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था समीर को. पता नहीं क्या करना चाहते थे. जस्ट मेंटल ब्लॉक. तो ये रेफरल तरह से वेस्ट गया. और मुंबई हीरो इसलिए मुंबई के कप्तान मैदान में है और वो भी बोल. डिजास्टर फॉर द मुंबई हीरोज. दूसरी गेंद पर सुनील शेट्टी यॉर्क्ड. बेहतरीन गेंद थी रघु की. वेरी फुल लेंथ और सुनील शेट्टी उसे भांप नहीं पाए. आज मुंबई हीरोज के लिए कुछ नहीं चल रहा है. ये देखिए प्लेड अ लिटिल अक्रॉस. गेंद सीधी थी और सुनील शेट्टी वापस पवेलियन. बट आई थिंक दे वुड बी क्लॉकिंग समवेयर अराउंड 115 120s. वेल प्लेड. व्हाट अ शॉट. यस एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया गैप में खेलते हुए. Well played and अरे बड़े देर बाद चौका देखने को मिला भैया. अरे चीयरलीडर भोजपुरी दबंग्स बोल एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली. मेरे साथ है अक्षरा द ब्रांड एंबेसडर ऑफ द भोजपुरी दबंग्स. अक्षरा हाउ आर यू फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ सीसीएल? आई कांट एक्सप्रेस एंड वी भोजपुरियास आर द वेरी हार्ड. नो टू शॉट शॉट ऑफ गेंद द कैप में खेला और गोले के माफी गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर. अब इस स्ट्रोक को रोकना बहुत ही मुश्किल किसी बल्लेबाज के लिए. मानो कि रघु ने मंत्रा पूरी ताकत झोंक दियो. अरे पिंकी बबली सोनू ये सब आ गए. फ्लाइटेड डिलीवरी. फ्लाइटेड एग्जैक्टली फॉर दैट पर्पस. पूछना कोई गलत काम नहीं और इधर उठा के खेला है. खिलाड़ी नीचे आता हुआ लॉन्ग ऑन से क्या ये लपका जाएगा? निजी नहीं छोड़ दिया. अब ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है. एक मौका था गवाया और रन भी मिलते हुए बाउंड्री के रूप में. तो जब हवा में पहुंची थी गेंद तभी समझ में आ गया था ये कैच ना हो पाना. क्योंकि एक मौका था गवाया और रन भी मिलते हुए बाउंड्री के रूप में. रघु के बल्ले से एक चौका और इसी के साथ रघु के 50 रन पूरे. शतक लगाते हुए कुछ बढ़िया शॉट्स खेले हैं और एक बार फिर एक महंगा ओवर साबित होता हुआ जयेश का. अब तक 11 रन दे चुके हैं 5 गेंदों में. और अब बल्ला उठाते हुए अभिनंदन करते हुए सभी समर्थकों का एक अहम पारी. क्योंकि बाकी जो बल्लेबाज है या ना कुछ कर नहीं पाए पर रघु ने कहने का एक बैट छोड़ा है अभी तक इस पारी में. शाबाश टीम तेलुगु वॉरियर्स के साथ.